जो भी भाई क्रिकेट कार्डियो को बहुत पहले से फॉलो कर रहा है, सबसे पहला व्लॉग मैंने एसजी फैक्ट्री का डाला था, उन्होंने मेरे को ये दो बैट दिए थे। तो इसमें से ना हैंडल में से थोड़ी सी आवाज आ रही है और इसीलिए आज हमने ये सन्नी टन्नी क्लासिक निकाल लिया है। और भाई ये घर पे तो मैं नॉक कर ही रहा हूँ हैंगिंग बॉल और हैमर वैमर, बढ़िया से इसकी तैयारी चल रही है। तो अब इसकी बारी आ चुकी है नेट्स में उतारने के लिए। भाई आपका फेवरेट कौन सा है दोनों में से, कॉमेंट करके जरूर बता देना। ट्रिपल क्राउन क्लासिक आपको ज्यादा पसंद है या फिर सन्नी टन्नी क्लासिक? Hey guys, welcome back to another vlog of Cricket Cardio या गगन सावन। मुझे कोई आइडिया नहीं है ये वाला व्लॉग मैं कौन से चैनल पे डालने वाला हूँ। बढ़िया प्रैक्टिस सेशन करने जा रहे हैं। इस वाले वीकेंड हमने कोई भी मैच नहीं खेला है, सैटरडे संडे दोनों दिन हमने कोई भी मैच नहीं खेला है। तो बढ़िया आज प्रैक्टिस सेशन करेंगे सुबह के अभी टाइम। इंटरनेट ये रहा, फोन उठा लेता हूँ। सुबह के भाई देख लो 7:25 हो रहे हैं, 7:30 के आसपास हम निकल देंगे। तो लास्ट तक व्लॉग को जरूर देखना और भाई लाइक कर देना आज के व्लॉग को और सब्सक्राइब कर देना इस वाले यूट्यूब चैनल पर। रही बात अपनी ड्रेसेस की, वो भी तैयार है, यही ड्रेस पहन के जा रहा हूँ यार मैं। और एक बार हेलमेट और इन सबको रखते हैं अंदर, यश को भी लेना है। दो तीन स्पिनर लेके जा रहा हूँ मैं और दो तीन अपने मीडियम पेसर है। मीनवाइल हर बार जब भी मैं मैच खेलने जाता हूँ, प्रैक्टिस सेशन करने जाता हूँ, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो सुबह मैं सोचता हूँ फटाफट से किसी को बिना बताए निकल जाऊं, बट नहीं, मम्मी तो भाई ऑटोमेटिकली खुद उठी जाती है। अभी देख लो 7:30 बज रहे हैं और संडे मॉर्निंग है। संडे मॉर्निंग आप सभी को पता ही होगा भाई, आराम से भाई रेस्ट करने का दिन होता है, बट आपके भाई का तो कोई रेस्ट नहीं होता है कभी। मतलब कभी वीकडे मैं ऑफ ले लेता हूं तो ले लेता हूं, बट वीकेंड्स तो मेरे पक्का कभी ना कभी मैचेस रहते हैं या फिर मैं प्रैक्टिस सेशन करने चला जाता हूं। बट भाई मम्मा आप में कौन सी ऑटोमेटिक अलार्म लगी हुई है पहले तो हमें ये बताओ। योगा की मेरी छुट्टी थी, मम्मी योगा करने जाती है, संडे मम्मी का ऑफ रहता है, तो 5:30-6 बजे मम्मी का बढ़िया उठ जाती है। और ये रहा हमारा नारियल तैयार है, अपना बढ़िया नारियल पानी पियेंगे। ये मम्मी ने दिया है थोड़ा बहुत डॉगीज वॉगीज के लिए खाना है, कहीं पे रास्ते में डॉगीज मिल जाएंगे तो एक खाना डाल के फटाफट से अब चलते हैं यश के पास, यश को लेते हैं और फिर चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन पे। तो 7:30 आने वाले थे, 7:30 आने वाला था बट थोड़ा सा लेट हो गया ना तेरी वजह से क्योंकि तू उठा ही नहीं था। 10 मिनट से खड़ा हूँ। 10 मिनट से भाई तैयार व्यार हो गए भाई साहब, अपने जा चुके हैं दोबारा सोने, बता नहीं सोया तो ना, वो सो गया मैं, मेरे पता था लेट आएगा। How do you do? भाई ये रहे नेट्स, यहाँ पे हम नेट्स करने जाएंगे अभी, थोड़ा सा वार्म अप कर लिया जाए, इसकी भाई की नींद उतारेंगे पहले। इतना नींद में ना कसम से, कितने बजे उठता है रोज? 8, 9, 10, 11, 8, 8, 8, 8 मत बोली मत, 10 से शुरू कर। और भाई यहाँ पे बॉलर्स वॉलर्स अभी डाल रहे हैं बॉल, यहाँ पे आप देख सकते हो चल रहे हैं नेट्स। पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं, वार्म अप करने के बाद हम थोड़ा स्ट्रेचिंग व्रेचिंग करके और फिर चलेंगे अपने बैटिंग करने। स्लीपर वन की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में हुए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चिप हो जाए। क्या चल रहा है बॉल के साथ? सीमेंटेड विकेट है, क्या है आपकी प्लान, प्लानिंग क्या है? सीधा जा रहा है, कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ जा रहा हूं, भाग रहा हूं। लाइन लेंथ तो पकड़ ही सकता है, तो पकड़ी है जबरिल भाई। शॉट रेड है, बीट करके दिखा दे, 3 बॉल है, एक बार बीट करना है। किसको? किसी को भी। अरे बीट करना है अभी, इसकी बिना करा पाए भाई, अरे ये था क्या, मुझे लगा गलती हो गई है, तो ये हम माफ कर देते हैं, ये मानी जाएगी, नॉट काउंटेड। आप बॉल फेंकने वाले हैं? पता नहीं कितने महीनों बाद, मुझे कुछ याद नहीं, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है डेड बॉल जाएगी। मार मत दियो बेचारे, कभी मुंह पे दे।
ये पहले आप देख सकते हैं गगन जी ना स्पिन डाल रहे थे और स्पिनर में बाउंसर मार रहे हैं। अब आप देख लो दूसरी बॉल थी, पहली बाउंसर और दूसरी बाउंसर की ट्राई करी। चलो ये बताओ तुम दोनों के पास चैलेंज है, कौन आउट करेगा मुझे? मैं कर दूंगा आउट। कर देगा? अच्छा दोनों कर दोगे? ठीक है तू भी कर देगा। समझ गया। ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता जो पहले नॉर्मल में हो जाता था। Two seconds later. भाई क्या सीन हुआ है? भाई बहुत तेज बारिश। ये देखो भाई बारिश। मेरी बैटिंग ही चल रही थी, कौन सा तीसरा या चौथा राउंड होगा मुश्किल से, तो आपको जो भी नजर आई होगी उतनी बैटिंग हुई थी भाई। और तभी ये देखो इतनी तेज की बारिश, पूरी धड़ 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 वाली, अंदर रह भी नहीं पाए तो गाड़ी में आके बैठ गए, पूरा गीले हो चुके हैं भाई। मतलब मैंने बस लिटरली पैड्स उतारे थे और किट पैक करने का भी टाइम नहीं मिला। ऐसे देखो ऐसे डाल के ऐसे उठा के लेके आए, ये बैग भी पूरा गीला हो चुका है, यस भी गीला हो लिया। और भाई अभी तो अब तो प्रैक्टिस होने से रही। क्या कर क्या सकते हैं बारिश में भीग सकते हैं और क्या भीग ले भाई। मैं नहीं भीगने वाला अपने, वैसे ही थोड़ा ऊपर नीचे चल रही है तबीयत अभी भाई। कपड़े लाया हूं मैं तो, कपड़े चेंज कर लूंगा, बट बारिश रुके तो भाई बहुत तेज बारिश भाई। Later that same evening. भाई ऑलमोस्ट भाई 10 तो बज ही चुके हैं हमें। एक तो आने में जितनी देर लगी है ना यहाँ पे, आने में मेरे को 40 से 50 मिनट लगी थी, इतनी तो प्रैक्टिस भी नहीं करी है मैंने। और भाई ये मैं सोच रहा था व्लॉग क्रिकेट कार्डियो पे डालने के लिए, बट भाई कंटेंट ही नहीं आया कुछ ना, मेरा गोप्रो लगाने का मन करा, क्योंकि गोप्रो भाई अगर मैं लगाता 70 विकेट, आपको पता है अनइवन बाउंस कभी भी भाई यश भाई की पेसर की तरह लग रही थी मुझे, लेग स्पिनर होके। सनरूफ खोल ली ना भाई पूरे गीले हो जाने, अभी मैंने ये टी शर्ट बदल ली है। आपको अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को, कमेंट करके बता देना भाई। उस वाले बैट को तो मैं आज खोल नहीं पाया ज्यादा, क्योंकि भाई बॉल थोड़ी ऊपर नीचे रह रही थी, सीमेंटेड में मैंने बहुत टाइम के बाद बैटिंग करी है, तो भाई उसको नेक्स्ट जब भी हमारा प्रैक्टिस सेशन होएगा उस बैट को खोलेंगे। वैसे रेगुलरली तो मैं हैंगिंग बॉल और ये जो भी अपने हैमर मार के मैं रेगुलरली हर शाम को कर रहा हूं इसके साथ, तो और बाकी देखते हैं कैसा वो खुलेगा बैट। और कमेंट करके आप बता देना दोनों में से कौन सा बैट आपको ज्यादा पसंद है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब आपको मिलेंगे जल्दी एक और नए ब्लॉग में। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय। भाई शेर पाल लिया है मैंने, पाल लिया तो भाई इसको थोड़ा पाल पोषण भी करना पड़ेगा भाई, बहुत पीती है, बहुत बहुत पीती है भाई। 10.5 की एवरेज दे रही है यार, कोई बात है क्या? डिजायर पूरे महीने से जाती थी।